नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल का मकसद है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम वही उपाय बताते हैं जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति कर पाए। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति धन्य धन से संपन्न रहे, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर गरीबी का शिकार होते हैं तो गरीबी एक ऐसा भी श्राप है जो कि मानव को दानव बनाने में देरी नहीं लगाते। हम बहुत सारे अपने चैनल में प्राचीन ज्ञान बताते हैं, प्राचीन तरीका बताते हैं, ताकि उन तरीके को आप अपना करके अपने घरों में धन की बढ़ोतरी कर सके। दोस्तों धन आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पूर्व समय में किसी के हम पैसा वगैरह चुका नहीं पाते, या पूर्व समय में किसी प्रकार के हम पाप कर बैठे होते हैं, या इस समय में हम कई प्रकार के ऐसे चीज़ों को कर बैठे रहते हैं जिसके चलते लक्ष्मी रुड़ जाती हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को धन प्राप्ति करने, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा, जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति करके अपने घरों में धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर कदम में मैं आपके मार्गदर्शन करता रहूं, इसी प्रकार से सहयोग करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए मित्रों, पहला उपाय बता रहा हूँ। प्रत्येक सप्ताह घर में जो फर्श है वहाँ पे आप पोछा लगाते, तो उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक मिला करके पोछा लगाया करें, क्योंकि ऐसा करने में घर में होने वाले जो झगड़े रहते हैं वह कम हो जाते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, सबकी मैं बात बताना चाहूँगा, आपके घर में आने वाले जो अतिथि हैं कहाँ से आए हैं, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार हैं, ये आप नहीं जानते। लेकिन अगर आप समुद्री नमक मिला करके पोछा लगाते हैं, तो उसके साथ में आने वाले जो मन की गलत विचार है, उनके साथ में आने वाले जो नकारात्मक शक्ति रहती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, ये पोछा लगाने से समाप्त हो जाती है। तो पहला ये उपाय जरूर करें, सप्ताह में एक बार अवश्य पोछा लगाया करें, इसे 100% लाभ मिलते हैं। दूसरा उपाय लक्ष्मी प्राप्त करने का, यह उपाय आप जो सप्ताह में एक बार जरूर किया करें। किसी शुक्रवार के दिन एक कपूर ले लीजिए, बड़ा सा शुद्ध कपूर होना चाहिए। मार्केट में मिलावटी कपूर आते हैं, वो कपूर नहीं लेना है। पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाले शुद्ध कपूर लेना है। तो एक बड़ा साइज का कपूर ले ले और उसमें दो अखंडित लौंग डालना है। अखंडित लौंग के मतलब होता है कि फूल वाला जो लौंग है वो डालना है, फूल रहित जो लौंग है वो नहीं डालना है। ऊपर में जो फूल रहता है वही फूल वाला आपको लौंग डालना है। तो जलते हुए कपूर में, जलते हुए जो कपूर है उसमें दो अखंडित लौंग डाल देना है, और इसके धुएं आपको अपने पूरे घरों पे दिखाना है। और इसके पूरे धुएं अपने घरों में एक बार दिखाने के बाद इस जलते हुए कपूर और लौंग को अपने घरों से बाहर निकाल देना है, तो आप देखेंगे ये आपके घरों में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देंगे, और इससे लक्ष्मी का निवास होता है घरों में। घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाते हैं। और यह उपाय अगर आप निरंतर शुक्रवार के दिन करते हैं तो घर में लक्ष्मी का आगमन भी होता है। जाहिर सी बात है, घर में अगर लक्ष्मी आ जाए तो हमारे घरों में धन की बढ़ोतरी होने लगता है। ये छोटे छोटे उपाय हालांकि आसान होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव तीव्र होते हैं। घरों से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ये सबसे अच्छा सरल आसान घरेलू उपाय है, घरेलू तरीका। इस उपाय को करके अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, घरों में नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। घरों में बार बार झगड़े होते हैं तो इस उपाय को करें, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में बढ़ जाएंगे, आप भी धन धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। यह उपाय को करें, अपने दुर्भाग्य को दूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम।